हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के कार लाल में एक बार फिर से। तो दोस्तों देखो इसका क्या कंडीशन है, मैं वो आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी में। यानी कि जो लापरवाही करते हैं ना अपन लोग, यानी कभी कभार लापरवाही हो जाती है तो उस वजह से यानी क्या नुकसान होता है, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ वीडियो में। तो दोस्तों ये गाड़ी है, आप देख लो। अब इसमें जो लॉस हुआ है ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ, सिर्फ एक लापरवाही की वजह से हुआ है। यानी ये जो गाड़ी जिसकी है ना वो कस्टमर के, यानी कि चार पांच गाड़ियाँ हैं जो अलग अलग ड्राइवर है जो अलग अलग तरीके से चलाते हैं, तो उस वजह से यानी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। भैया एक ड्राइवर ने बोल दिया मैंने करवा रखा है, एक ने बोल दिया नहीं करवा रखा है, तो ये लापरवाही हुई है इसमें। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ है इसमें। पहले मैं खोल लेता हूँ व्हील। तो देखो पहले मैं व्हील खोल लेता हूँ और फिर आपको अच्छे से यानी पूरा दिखाता हूँ। मैंने देखो टायर के बोल्ट तो खोल ही रखे हैं, यानी कि सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही से मतलब क्या हो गया, अगर ये चीज़ टाइम पे होती ना तो शायद बहुत ही कम पैसों में हो जाता ये काम। अब ये देखो इसका ये पूरा ड्रम है ना, ये पूरा घिस गया, मतलब ये देखो कितनी पतली सी किनोर बन गया। और देखो कोई कोई जगह से तो ये देखो पीछे से टूट भी गया। देखो ये दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो अच्छे से ये देखो यहाँ से ऊंचा नीचा हो गया, मतलब ये टूट गया। अब यहाँ से भी देखो ये दिखा देता हूँ, देखो ये टूट गया। अब ये पोजिशन ये आ चुकी है कि जैसे मान लीजिए अपन गाड़ी चला रहे हैं और अचानक ये ड्रम टूटता है तो व्हील एक साइड जाम होएगा और एक साइड गाड़ी भागेगी और एक्सीडेंट होने के चांस ये मान के चले इस गाड़ी में मेरे हिसाब से कम 90% आ चुके हैं। 90% ही गाड़ी एक्सीडेंट होती कहीं ना कहीं, ये 10% ही चांस थे जो ये चल रही थी। अब ये लापरवाही क्यों होती है दोस्तों, क्योंकि अपन लोग क्या सर्विस यानी टाइम पर नहीं कराते हैं और अपन मैकेनिक के भरोसे रह जाते हैं। मैकेनिक बोल देता भाई सही है ठीक है चलने दो, तो आप चलने देते हैं, जबकि ये चीज़ें आपकी जिम्मेदारी। और मैं बताऊँगा देखो इनका कैसे पता लगता है ये चीज़, ये खतरा आने से पहले कैसे बताती है गाड़ी। तो चलो मैं खोल लेता हूँ पहले इसको, देखो ये बेड खोलना पड़ेगा पूरा। तो ये देखिए दोस्तों खोल लिया है। अब देखो दोस्तों प्रॉब्लम सबसे बड़ी तो देखो ये, देखो इसका जैसे ही मैंने ये पंप दबाया ना, ये देखो ये तो इसमें से इसने ऑयल बाहर फेंक दिया। अब ये ऑयल कौन सा बाहर फेंका है गाड़ी ने, ये वो ऑयल बाहर फेंका है गाड़ी ने जो एक्स्ट्रा अपन भर देते हैं। ये गलती कभी नहीं करनी है आपको, जब भी गाड़ी में ऑयल कम पड़ता है तो आप बिना किसी मैकेनिक से एडवाइस लिए आप उसमें क्या करते हैं ऑयल डाल देते हैं। आपको वो काम नहीं करना है, अगर कभी भी गाड़ी में ऑयल कम पड़ रहा है तो पहले पता लगाना है ऑयल कम क्यों पड़ा। अगर ये लेदर घिसने की वजह से ऑयल कम पड़ता है तो कभी भी उसको भरवाना नहीं है, ये लेदर डलवाना है अपन को। ये इसके आगे की टुकड़ी है ना, ये नहीं डलवा देनी है और वापस ऑयल पूरा हो जाएगा। कई बार अपन ये गलती करते हैं, ये कभी नहीं करनी दोस्तों, क्योंकि ये गलती ही हमारे ये सारे नुकसान करवाती है, मतलब ये सारे नुकसान। ये देखो इसमें देखो इसकी एक साइड की कंडीशन देखो, ये भी खैर ख़त्म है लेकिन ये देखो प्लेन है। अब ये वाला हिस्सा तो बिल्कुल ही गाड़ी खा चुकी है। अब इसकी पोजीशन पता किस तरीके पता चलती है आपको एक चीज़ बताओ, देखो ये पत्ती है इसमें ना गाड़ी में, ये पत्ती देखो। वैसे तो इसकी इस गाड़ी ने आगे का लेदर खा लिया ज़्यादा, क्योंकि इस पर आगे यानी पता नहीं कोई मिट्टी लग गई है क्या हो गई। अपन के लेदर खत्म होने से पहले ये पत्ती है ना अपन को आवाज करके बताएगी गाड़ी में, जब भी अपन गाड़ी चलाएंगे तो चू चू आवाज पैदा हो जाएगी खत्म होने से पहले, यानी कि लोया अड़ने से पहले ये पत्ती अपन को सिग्नल देगी। ये तो जब भी आपकी गाड़ी में जैसे आप ब्रेक लगाए और चू चू आवाज आए ना तो तुरंत मैकेनिक को दिखाए और ये डिस्पेट चेंज कराना, ताकि आप इस नुकसान से बच जाए। अब देखो ये नहीं डालनी पड़ेगी, मैं मंगवा लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों ये हमने पूरा कंप्लीट सेट लिया, मतलब TVS का ओरिजिनल। ये देखो इसके साथ में देखो ये पेड़ भी आते हैं, ये थालियाँ दोनों आती हैं, देखो खोल के निकाल बाहर निकालने एक्चुअली। तो ये देखिए दोस्तों ये बिल्कुल एकदम ओरिजिनल TVS की, ये देख लीजिए आप। तो ये देखिए दोस्तों अब ये पूरा सेट लिया हमने TVS का अपाची का, है ना। अब कई तो ये है दोस्तों, ये देखो इस पर MRP दिखा देता हूँ आपको, इस पर 3721 है। ये कितने का है, 3300 रुपये है ना, यानी 3300 रुपये का है ये। और अगर सिंगल लेते हैं हाँ, तो सिंगल यानी क्या है कि करीब 1500 रुपये की रूटर आती है TVS। सिंगल लेंगे तो 1500 रुपये की रूटर आएगी, मतलब ये रूटर एक आएगी 1500 रुपये की। लेकिन ये सेट लेने में ये फायदा दोस्तों देखो, इसमें पेड भी आ गए, ये दोनों रूटर भी आ गए, ऐसे करके करीब 3800 रुपये के आसपास पड़ता है। अगर टुकड़े में ले तो है ना, टुकड़ों में ले तो 3800 का पड़ता है, और ऐसे सेट लेंगे ना पूरा तो ये फायदा है। तो दोस्तों ये भी मैं आपको बताना जरूरी था, क्योंकि ये चीज़ें क्या कई लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, कई लोगों से अनाप शनाप पैसे ले लिए जाते हैं, इसलिए मैं इन चीज़ों को बता रहा हूँ आपको। तो ये देखिए दोस्तों अब हम ले आए हैं, इसकी सफाई वफाई कर देते हैं और इसको फिट कर देते हैं, फिर उसके बाद में जो ब्रेक में मजा आएगा ना दोस्तों, इतना प्यारा रिजल्ट आएगा, मतलब अब ये
भाई है ना जो ड्राइवर, बहुत डर डर के चला रहा था गाड़ी को, लेकिन अब मजा आएगा गाड़ी चलाने, उसको भी मजा आएगा और मेरे को काम करने, तो मैं सफाई कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये दूसरी साइड का है, दूसरी साइड का ही बिल्कुल, ये देखिए डाउन है, ये देखिए बिल्कुल लेवल ख़त्म हो चुका है। पर वो वाले में तो ये रिक्शा आ रहा था कि गाड़ी पलटने का चांस आ रहा था, क्योंकि वो टूट के ब्रेक जाम होते हैं और गाड़ी एक साइड खींच के पलटी खा जाती। तो अभी इसको भी खोलते हैं हम, ये भी हम रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि हम दोनों ही लेके आए हैं, और फिर देखना कितना मज़ा आएगा गाड़ी में, यानी ब्रेक लगाने में भी और चलाने में भी, यानी जो साइलेंट होगी ना गाड़ी की, यार ये क्या ख़त्म हो गई इतने, यानी ये देखो लोहे अड़के चल रहा था ना, तो इतना काफ़ी यानी इरिटेटिक, यानी काफ़ी परेशान करने वाला ना, इरिटेट करने वाला साउंड आ रहा था इसमें, ची 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 बहुत तेज। और बढ़िया है ये साउंड आकर, ये इन्होंने रिक्स ना लिया, गाड़ी को कहीं लेके नहीं गए। बाकी चलो अब करते हैं इसको, खोलते हैं देखो, और फिर खोलने के बाद में नया डाल के आपको रिजल्ट दिखाते हैं, ब्रेक लगा क्या मज़ा आएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये डाल दिए बिल्कुल झक नहीं दोनों, अब इसे चला के दिखाते हैं आपको, देखो क्या मज़ा आएगा। तो ये देखिए दोस्तों, पूरे डिस्प्ले डाल दिए। और एक चीज़ और बता दूँ, देखो दोस्तों ये जो ऑयल होता है ना इसका, ब्रेक ऑयल, ये जो इसमें निकला है ना, ये सारा एक्स्ट्रा निकल चुका है, मतलब यानी जब भी अपन इसको एक्स्ट्रा भर देते हैं, जैसे ब्रेक ऑयल कम पड़ जाता है इसमें तो अपन चेक करते हैं, तो अपन इसमें वो डाल देते हैं, वो नहीं डालना है दोस्तों। ब्रेक ऑयल कम पड़ने का मतलब ये कोई इंडिकेशन दे रही है कि भाई इसके लेदर घिस चुके हैं, इसके लेदर डलाने हैं आगे के, ये इंडिकेशन है ब्रेक ऑयल कम पड़ना। ये नहीं है कि कम पड़ गया तो अपन को उसको और डाल देना है, उसमें फुल कर देना है, फुल नहीं करना है दोस्तों। ब्रेक ऑयल कम पड़ने की वजह से अपन को इंडिकेशन सामने डैशबोर्ड में दिखाएगा, और ये ब्रेक ऑयल कम पड़ने से ही अपन को अंदाजा होता है भाई यहाँ तक पहुँच गया, इसका मतलब ब्रेक पैड पूरे गए, ये इंडिकेशन है ब्रेक ऑयल कम पड़ना। जबकि आप लोग क्या करते हैं, जब ये कम पड़ जाता है इसमें और डाल देते हैं, भाई ब्रेक ऑयल खा रही है गाड़ी, कभी भी ध्यान होगा ब्रेक ऑयल कभी नहीं खाती है गाड़ी, या तो लीक होएगा तो निकलेगा, या फिर लेदर घिसेंगे तो डाउन होएगा, कभी खाती नहीं है। तो चलो इसकी टेस्ट ड्राइव लेकर दिखा देते हैं आपको। तो ये देखा दोस्तों, अब हम गाड़ी ले आए हैं, चेक कर रहे हैं आप, और अब देखिए यानी ब्रेक दबाने पर यानी इतना बढ़िया रिजल्ट है, ये देखो कोई दिक्कत नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बिल्कुल कीप क्वाइट साइलेंट। अब ये छोटी छोटी प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन इन पर क्या आप लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, और ये क्या होता है जैसे आप क्या करते हैं कि यार सर्विस पे ही कराएंगे, तो सर्विस के भरोसे नहीं रहना है दोस्तों। ये चीज़ों की लाइफ लाइन है ना, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये डिपेंड करती है रोड के ऊपर, क्या ये चीज़ें डिपेंड करती है रोड के ऊपर। आप देखिए कितना बढ़िया ब्रेक आ रहा है, दिखाओ देखो, एक मैं पीछे क्लियर कर लेता हूँ रोड, हाँ पीछे क्लियर, आप देखो ब्रेक दबाने पर कोई आवाज़ नहीं, ये देखो कोई आवाज़ नहीं, एकदम झक काम है, मतलब अब ये देखो, अब इधर। तो दोस्तों ये चीज़ें क्या होती हैं अपनी, यानी ये अपना है ना, ये अपन क्या सोचते हैं कि सर्विस पर करा लें, लेकिन ये चीज़ डिपेंड होती है अपने रूट पर। जैसे कि अपन हाईवे चलते हैं, यानी कच्चे में कम चलते हैं ना, तो ये बहुत स्लो घिसते हैं। अब अगर जैसे मान लिया अपन यानी थोड़ी रश रोड पर चलते हैं, यानी खराब रोड पर जिसमें मिट्टी वगैरह ज़्यादा होती है, तो इनमें क्या मिट्टी लग कर लेदरों को जल्दी खा जाती है गाड़ी। तो इसलिए यानी जो होते हैं ना, बोलते हैं ना कि भाई यानी कि ये लेदर डालने बाद में 25,000 चलानी चाहिए, 50,000 चलानी चाहिए, ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं है। क्योंकि अगर आप खराब रोड पे चलोगे तो जल्दी जाएंगे, बढ़िया रोड पे चलोगे तो लेट जाएंगे, बस ये होता है इनमें, और कुछ नहीं होता है। इसलिए ये चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत रिस्क का काम है। तो आई होप मैंने आपको इसमें दिखाई दिया कि भाई कितनी प्राइस है, कितना क्या है, और डालने का प्रोसेस इसका ज़्यादा 20 मिनट का होता है, इससे ज़्यादा लंबा टाइम नहीं होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो बेहतरीन होगी, और कोई ना कोई मैकेनिकल नॉलेज होगी जो आप लोगों के फायदे की होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि ऐसी ही मैकेनिकल नॉलेज जो पब्लिक प्रॉफिट की है वो हमारे चैनल पर आती रहती है, जिससे पब्लिक का फायदा होता रहता है। और अगर आपको कोई भी और चीज़ पूछनी है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको अच्छे से जवाब दूंगा, और आपको कोई ना कोई सोल्यूशन बताऊंगा जो आपकी गाड़ियों में कोई प्रॉब्लम होगी। थैंक यू सो मच।